अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पैनकेक की रेसिपी बताएंगे। उसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1 कप दूध, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 अंडे, चंद कतरे वेनिला एसेंस के। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैदा, चीनी, दूध, बेकिंग पाउडर, अंडे और चंद कतरे वेनिला एसेंस के डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। इतना बीट करना है कि सब चीज़ें यकजा हो जाए। अब इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इसको 20 से 25 मिनट तक रहने देंगे। अब हम इसको ब्रश से पूरा ग्रीस कर देंगे फ्राई पैन को। ये मिक्सचर को 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको फ्राई पैन में डालेंगे। एक बड़ा डीप चमचा ले लें। इस तरह इसको डालना है। अब इसको बहुत स्लो फ्लेम पे रहने देना है। जब इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे फिर हम उसको पलटाएंगे, दूसरे साइड पे कर लेंगे। अब इस पे बबल्स आने शुरू हो गए हैं, अब हम इसको पलटाएंगे। इसी तरह थोड़ी देर तक के लिए, जब नीचे का हिस्सा भी ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको निकाल देंगे। अब ये तैयार हो चुका है दोनों तरफ से। इसी तरह हम दूसरे भी तैयार करेंगे। ग्रीस कर लेंगे वापस से फ्राई पैन को। अब इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। अब इसको भी हम पलटा देंगे। देखिए अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। पैनकेक तैयार हो चुके हैं। मिक्सचर से 12 पैनकेक तैयार हो सकते हैं। पैनकेक सिरप, न्यूट्रिला या शहद के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।